like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में आपने देखा हल्क मैनहट्टन में आके सबसे कहता है कि 24 घंटे में उसे इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स अपने सामने चाहिए, नहीं तो वो पूरे अर्थ की बैंड बजा देगा। जिसके बाद आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक रॉबर्ट रेनल्ड्स यानी सेंट्री को बुलाने जाते हैं, पर सेंट्री की टोनी से कुछ बात होती है, जिसके बाद टोनी हल्क बस्टर आर्मर में हल्क से लड़ने आता है और तभी उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसके अंत में हल्क आयरन मैन की जबरदस्त पिटाई कर देता है। न्यूयॉर्क सिटी से डैनी हल्क और आयरन मैन की लड़ाई देखकर दंग रह जाता है और तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता है ये बोलते हुए कि आयरन मैन की बहुत बुरी पिटाई हो चुकी है, तो अब आपको बाहर निकलना ही होगा। अब कब तक यहाँ छुपे रह सकते हैं? अब बाकी सुपर हीरोज उससे लड़ने गए हैं, हल्क उन सबकी जान ले लेगा। जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हल्क किसी की जान नहीं ले सकता। तब आयरन फिस्ट कहता है कि क्या पता वो अपने प्लैनेट के तबाह होने की वजह से बदल गया हो। तब रोनिन कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का उसके प्लैनेट के तबाह होने से कोई लेना देना नहीं है, जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये सही बात है, पर उसे स्पेस में भेजकर हमने गलती तो करी है, तो अब तुम लोग जाओ और उसे मेरे से बदला लेने दो। जिस पे डैनी कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आप चाहें तो उसे एक झटके में मार सकते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, यहाँ कोई और रास्ता जरूर होगा, इसीलिए मैंने मंत्र जपना शुरू कर दिया है जिसका मुझे नहीं पता कि अंत क्या होगा, पर मैं किसी ऐसे को भी ढूंढ रहा हूँ जो कि हल्क को हरा भी दे और उसे वापस पहले जैसा भी कर दे, पर तब भी वो मुझे उसमें घुसने नहीं देगा क्योंकि वो हमसे नफरत करता है। हल्क आयरन मैन की बुरी तरह पिटाई कर चुका था और ये नजारा देखकर ल्यूक बोलता है कि अगर ये सब हो ही रहा है तो ठीक है, हम भी लड़ना शुरू करते हैं, वो अकेला ही तो है। पर तभी हल्क के साथी यानी वार बाउंड ऑफ सकार सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे राजा अकेले नहीं है, हम हमेशा अपने राजा के लिए उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे हीरो हैं जिन्होंने हमारे प्लैनेट को तबाह होने से बचाया, जबकि तुम आयरन मैन रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हो जिन्होंने हमारे प्लैनेट के कई लोगों की जान ली, हमारी रानी को मारा, तो हम यहाँ तुम्हें एक चांस दे रहे हैं कि तुम हमारे साथ हो जाओ। जिसपे एरीज बोलता है कि कभी नहीं, और तब वो आगे बढ़ता है, पर अचानक शी हल्क एरीज को बीच में ही रोक लेती है और उससे बोलती है कि यहीं रुको एरीज। पीछे से सैमसन बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम हल्क की साइड हो? शी हल्क कहती है कि यही तुम लोगों की प्रॉब्लम है, तुम्हें हर जगह साइड से दिखते हैं, जबकि मैं यहाँ अपने कजिन से बात करने आई हूँ। तब शी हल्क हल्क के पास जाके कहती है कि ब्रूस अगर तुम वहाँ हो तो मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जिसपे मीक जवाब देता है कि क्या तुम उन सभी को वापस ला सकती हो जिन्होंने सकार पर अपनी जान गंवाई, क्या तुम हमारे बड़े बुजुर्गों को जिंदा कर सकती हो, क्या तुम हमारी रानी कायरा को ला सकती हो? जिसपे शी हल्क कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तब हल्क शी हल्क को वहाँ से चले जाने को कहता है, जिसपे शी हल्क कहती है कि मेरी बात सुनो, अगर टोनी और बाकी लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो हम उन्हें कानूनी तरीके से सजा दिलवा सकते हैं, तुम जानते हो मुझे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें बस सही कदम उठाना है। पर हल्क कहता है कि चली जाओ यहाँ से, शी हल्क कहती है कि नहीं। जिसपे हल्क कहता है कि फिर बोलना बंद करो और लड़ना शुरू करो। तभी शी हल्क अपने साथियों के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हल्क शी हल्क पर पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो अपने आप को बचाते हुए अचानक हल्क को एक जोरदार मुक्का मारती है, पर इससे पहले शी हल्क अगला मुक्का मार पाती हल्क उसका मुंह पकड़ लेता है और तभी पीछे से एरीज चिल्लाता है अवेंजर्स अटैक, और तब सारे सुपर हीरोज हल्क की तरफ बढ़ते हैं। हल्क शी हल्क को जमीन में गाड़ के एरीज की तरफ बढ़ता है। शी हल्क को यकीन नहीं होता कि ये उसका कजिन ब्रूस है। एरीज हल्क पर अपने हथियार से हमला करते हुए बोलता है कि क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो मॉन्स्टर, पर हल्क उसके वार से बच जाता है और अगले ही पल हल्क एरीज को जमीन में गाड़ देता है और उसे जवाब देता है कि कभी नहीं, और तब वार बाउंड ऑफ सकार और एवेंजर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क के साथी बहुत आराम से उन सबकी पिटाई कर रहे होते हैं। तब स्पाइडर वुमन लड़ते लड़ते अपनी टीम से बोलती है कि ये बेवकूफी है, हम किसी भी हाल में इन लोगों को नहीं हरा सकते, हल्क पहले से ही स्ट्रांग है, ऊपर से उसके साथी भी उसके जितने ही स्ट्रांग है,
हम बस यहाँ मार खा रहे हैं। जिस पे मिस मार्वल कहती है कि बिल्कुल हम मार खा रहे हैं, पर यही जरूरी है अभी, ताकि रीड रिचर्ड्स को अपनी मशीन के लिए टाइम मिल सके। तब हम देखते हैं रीड को एक मशीन इंस्टॉल करते हुए। उस मशीन में प्रॉपर चार्ज जमा होते ही रीड अपने साथियों को वहाँ से चले जाने को बोलता है, जिसपे तचाला कहता है कि अभी काम रह रहा है, पर रीड कहता है कि मैं ये काम निपटा लूंगा, अभी तुम लोग निकलो यहाँ से, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, ये लड़ाई मेरी है, तुम लोगों की नहीं। तभी तचाला कहता है कि नहीं, ये लड़ाई अब हम सबकी है। वहीं पर स्टॉर्म भी रीड को समझाती है कि हल्क ने एवेंजर्स को भी हरा दिया है, तो तुम्हें हम में से किसी एक की यहाँ जरूरत पड़ेगी ही। रीड आगे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर सूजन भी रीड को यही समझाती है। तभी जॉनी उन सबको आवाज लगाता है और बताता है कि हल्क आ चुका है। तभी स्टॉर्म अपनी पावर से हल्क को बीच हवा में ही रोकती है और हल्क उसके ब्लो से नीचे एक बिल्डिंग पर जा गिरता है। तभी हल्क के साथी बाकी सब की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्क द थिंग यानी बेन से कहता है कि हमें सिर्फ रीड रिचर्ड्स चाहिए, जिसपे बेन बोलता है कि उसके लिए तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तभी हल्क के साथी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग हमें नहीं रोक सकते, जिसपे तचाला बोलता है कि तब तो तुम मेरी वाइफ से अभी तक नहीं मिले। और तभी स्टॉर्म मीक और नो नेम को अपनी पावर से दूर फेंक देती है, और अगले ही पल जॉनी दूर गिरे हल्क के पास जाता है और सबको बोलता है कि संभल जाओ। और तभी जॉनी अपनी फायर पावर और स्टॉर्म अपनी लाइटनिंग एक साथ करके हल्क पर बरसाते हैं, और वहाँ एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे आसपास के सारे लोग दूर जाके गिरते हैं। पर जब बेन नीचे देखता है उसे यकीन नहीं होता। उस जबरदस्त आग के हटते ही सबको दिखता है हल्क, जिसके हाथ में होता है बुरी हालत में पड़ा हुआ जॉनी। तभी बेन नीचे कूदता है, जिसे कॉर्क बोलता है कि रुक जाओ, तुम पहले ही हार चुके हो। जिसपे बेन बोलता है कि मैं ये हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, पर हम लोग तब तो बिल्कुल पीछे नहीं हटते जब मुक्केबाजी का टाइम हो। और तभी बेन हल्क को एक जबरदस्त मुक्का मारता है। बेन के उस मुक्के से हल्क के मुंह से खून आने लगता है। तब वो उसकी तरफ गुस्से में देखता है, जिसे देख के बेन थोड़ा डर जाता है। और तब हल्क आगे बढ़ता है। बेन हल्क पर कई हमले करता है, पर तभी अचानक हल्क बेन के मुंह पर अपने दोनों हाथों से एक जबरदस्त हमला करता है, जिसे देख के वहाँ खड़े सभी लोग सहम जाते हैं। और हल्क का एक साथी कहता है कि जो भी अब मरने वाला है उसे एक अच्छी मौत मिले। पर इससे पहले कि हल्क द थिंग पर अपना फाइनल अटैक करने जाता, उसे एक रोशनी दिखती है, जिसे देख के बेन बोलता है कि तुम्हें बहुत देर लग गई आने में। तब हल्क अपने आगे देखता है सेंट्री को। सेंट्री हल्क से बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ हल्क। पीछे से कॉर्क हल्क से पूछता है कि ये हो क्या रहा है, जिसे बेन बताता है कि ये सेंट्री है, ये उन लोगों में से एक है जो कि हल्क को शांत कर सकते हैं। हल्क और सेंट्री सच्चे दोस्त हैं, ना कि तुम वार बाउंड्स की तरह। सेंट्री हल्क की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हल्क उसकी तरफ अपना। पर जैसे ही वो दोनों हाथ मिलाते हैं, हम देखते हैं एक मशीन जिसे हल्क पकड़ते ही तोड़ देता है। और तब हम देखते हैं कि वो सेंट्री नहीं बल्कि मिस्टर फैंटास्टिक था, जो कि अपने मशीन से ऐसा दिखा रहा था कि वहाँ सेंट्री है। हल्क उस मशीन को पिचका देता है और रीड समझ जाता है कि ये ठीक नहीं है। और अगले ही पल हल्क रीड को एक पंच मारने जाता है, पर सूजन उसे अपनी पावर से रोक लेती है और हल्क को रुकने को कहती है, जिसपे हल्क कहता है कि अगर मैं एक बॉम्ब लगा के तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों को मार देता तब भी तुम यही कहती। सूजन कहती है कि तुम जानते हो कि रीड ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर हल्क कुछ नहीं सुनता और वो सूजन की इनविजिबल शील्ड को तोड़ने लगता है। और अगले ही पल हल्क पूरी इनविजिबल शील्ड को तोड़ देता है, और तब वो रीड की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करना शुरू करता है। रीड खुद को बचाने के लिए अपने आप को हल्क की बॉडी में लपेट लेता है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। हल्क रीड की इलास्टिक बॉडी पर लगातार मुक्के बरसाना शुरू करता है और अपने फाइनल ब्लो से रीड की हालत खराब कर देता है। तब सूजन रॉबर्ट को कॉन्टेक्ट करती है और उसे कहती है, हम फेल हो गए, हमने ये सब तुम्हारे बिना करने की कोशिश करी। रीड ने तुम्हारी एनर्जी को सिंथेसाइज करके हल्क को शांत करने की कोशिश भी करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमें अब तुम्हारी जरूरत है, हमें अब असली सेंट्री की जरूरत है। सेंट्री अपने घर में बैठा सूजन की बातों को सुन रहा होता है। न्यूयॉर्क में कई सारे लोग हल्क को चीयर कर रहे होते हैं। तब वहाँ के नज़ारे को देख के रिक जोन्स को यकीन नहीं होता। और तब हम देखते हैं हल्क को, जो कि अपने साथियों के साथ सारे हीरोज की घायल बॉडी को उठाकर ला रहा होता है। वहीं पर एक रिपोर्टर वहाँ खड़े लोगों से पूछता है कि पूरा शहर खाली करवा दिया गया है, तब भी तुम लोग यहाँ क्यों हो। तब उनमें से एक बोलता है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि उस आयरन मैन का क्या होगा जब हल्क यहाँ आएगा। तो तब वो रिपोर्टर रिक जोन्स के पास आता है और उससे पूछता है
कि तुम यहाँ क्यों हो। रिक बताता है कि मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तभी रिक हल्क के सामने जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना। मीक बोलता है कि हाँ, हम तुम्हें जानते हैं, हमारे पास तुम्हारी फाइल भी है। तुम अपने आप को हल्क का दोस्त कहते हो, पर तुमने भी उसे छोड़ दिया था। तो बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? क्या तुम्हें कैप्टन अमेरिका ने भेजा है? जिसपे रिक बोलता है कि कैप्टन मर चुके हैं। हल्क ये सुनकर हैरान हो जाता है। तब रिक आगे बोलता है कि यहाँ बहुत कुछ हो चुका है, टोनी और रीड ने कई पंगे कर दिए हैं। काश तुम यहाँ पहले होते, हम सबको तुम्हारी जरूरत थी, पर ऐसे नहीं। हल्क रिक की बातों से थोड़ा शांत होता है और वो रिक के कंधे पर हाथ रखता है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना रास्ता मिल जाता है। अगले ही पल डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हल्क अपना सर पकड़ के जोर से चिल्लाता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। और तब हल्क वहां से उछल के पास की एक नदी में जा गिरता है। सेंक्टोरम में एको डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि क्या हुआ डॉक्टर। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मेरे मैजिक के काम करने के लिए उसे शांत होने की जरूरत है, पर वो बहुत गुस्से में है। तब हल्क अपने आगे हरक्यूलिस और उसके साथी सुपर हीरोज को देखता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज आगे कहते हैं कि अब उसका गुस्सा और बढ़ गया है। हल्क और हरक्यूलिस के बीच में लड़ाई शुरू होती है। दूर खड़े शील्ड लेजेंड कमांडर जोन्स ये सब देख रहे होते हैं। तभी उनके पास एक सीनियर का कॉल आता है और उनसे पूछा जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। जोन्स बताता है कि हमने हरक्यूलिस और उसके साथियों को हल्क से लड़ने के लिए भेजा है, पर वो सीनियर बोलता है कि अपनी टीम को वहाँ से हटाओ। जोन्स कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ पे कुछ सिविलियंस भी हैं और हरक्यूलिस की टीम शायद हल्क से निपट सके, पर वो सीनियर कहता है कि भूल जाओ। तब हम देखते हैं कि वो सीनियर और कोई नहीं बल्कि हल्क का पुराना दुश्मन जनरल थैडियस थंडरबोल्ट रॉस था। और वो जोन्स से कहता है कि उन कॉस्ट्यूम वाले जोकरों को अपनी बारी मिल चुकी थी, अब मेरी बारी है।